Assalamu alaikum everyone. Today I am going to discuss question number 10 of class 10th exercise 10.2 class 10 hai aaj aur 10th ke liye. Prove that the angle between two tangents. Hame approve karna hai. Angle between two tangents. Jo angle hoga kin ke darmiyan? Do tangents ke darmiyan. Drawn from an external point. वो जो दो टेंजेंट है ना वो कहाँ से ड्रा करने हैं? एक्सटर्नल पॉइंट से. तो यहाँ पे एक एक्सटर्नल पॉइंट है तो हम दो टेंजेंट ड्रा करेंगे ऐसे. तो किया हमने, क्या किया हमने, दो टेंजेंट्स ड्रा फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी. तो अब यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है हम रखेंगे ए, और यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है हम रखेंगे बी, और यहाँ पे क्या है सेंटर. प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल. ये जो एंगल है दो टेंजेंट्स के दरमियान, जब हमने दो टेंजेंट ड्रा किए एक्सटर्नल पॉइंट से फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री. सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री. हमारे पास अगर दो एंगल्स हैं, मतलब ये एक और ये एक एंगल, तो है ना दो एंगल, इनको हम तभी सप्लीमेंट्री बोलते हैं कि अगर हम इनका ऐड करते हैं कि वो किसके बराबर आएगा 180 डिग्री. तो अब ये किसके साथ सप्लीमेंट्री होना चाहिए? सप्लीमेंट्री मीनस इसको हम ऐड किस एंगल के साथ करेंगे ताकि वो क्या आएगा, सप्लीमेंट्री मीनस 180 डिग्री. तो देखो तो ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री. ये जो एंगल है ना ये सप्लीमेंट्री है किसके साथ? टू द एंगल सबटेंडेड बाय. तो किस एंगल के साथ? जो बनाते हैं लाइन सेगमेंट, दो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. वो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट अगर हम ज्वाइन करेंगे कहाँ पे? एट द सेंटर पे. एट द सेंटर मीन्स ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है हम ज्वाइन करेंगे यहाँ पे, और ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे. तो एंगल कहाँ पे बना? सबटेंडेड एट द सेंटर मीन्स यहाँ पे जो एंगल बना. तो एक्चुअली हमें प्रूव करना है कि ये जो एंगल है ना किसके साथ सप्लीमेंट्री है? इसके साथ. तो अगर हम इस एंगल का ऐड करेंगे इसके साथ तो वो किसके बराबर आना चाहिए? 180 डिग्री. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रखेंगे इस एंगल का नाम क्या? वन. इस एंगल का नाम रखेंगे टू. यहाँ पे थ्री और यहाँ पे फोर. सोल्यूशन देखो, सॉल्यूशन क्या है. हम लिखेंगे कि पहले हम लिखेंगे कि टू प्रूव आर प्रूफ, ऐसे भी लिखते हैं. जब भी प्रूव होगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं. गिवन क्या है पहले, फिर लिखते हैं टू प्रूव. प्रूव क्या कर रहे हैं वो जरूरी नहीं होता है. फिर लिखते हैं प्रूव. हम प्रूव कैसे करेंगे, या हम डायरेक्टली यहाँ पे भी प्रूफ लिख सकते हैं. तो जैसे इससे पहले भी मैंने आपको ये लिखाया है कैसे प्रूफ. प्रूफ मीनस प्रूव करना है तो मैं प्रूफ लिखूंगा. गिवन क्या है? गिवन है टू टेंजेंट्स. कौन से दो टेंजेंट्स? पी ए एंड पी बी. ठीक है ना, इतना तो बस इतना ही गिवन है और कुछ नहीं गिवन है. तो हमें अब प्रूव करना है कि नाउ वी प्रूव और टू प्रूव एंगल टू प्लस एंगल फोर जो है ना, क्या एंगल टू प्लस एंगल फोर किसके बराबर दिखाना है? फिर 180 डिग्री. क्योंकि अब अगर हम एंगल टू और एंगल फोर का ऐड करेंगे जब वो 180 डिग्री के बराबर आएगा तब हम कहेंगे कि ये जो एंगल टू और फोर है ये सप्लीमेंट्री हैं ईच अदर. तो अब हम क्या करेंगे, सिंस देखो सबसे पहले यहाँ पे दो टेंजेंट्स हैं, यहाँ से क्या है दो रेडियस. तो अब जो फिगर बनती है वो कौन सी फिगर बनती है? क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल के कितने एंगल्स होते हैं? फोर एंगल्स. एक दो तीन चार, इसलिए मैंने इनका नाम रखा. तो अब हमें क्या करना है, अगर हमें एंगल टू प्लस एंगल फोर का सम दिखाना है कि 180 डिग्री, फिर हमें ये जो है ना वन और थ्री, क्या हमें ये पता है कि वन एंगल, ये जो एंगल वन है किसके बराबर है, एंगल थ्री किसके बराबर है? हाँ, ये भी 90 डिग्री के बराबर हैं, ये भी 90 डिग्री के बराबर हैं, क्योंकि यहाँ पे भी टेंजेंट रेडियस के साथ परपेंडिकुलर हैं, टेंजेंट रेडियस के साथ परपेंडिकुलर हैं. सिनस अगर हम नाम रखेंगे यहाँ पे ओ तो ये क्या बनेगा, सिनस पी ए
इज परपेंडिकुलर, ये जो पी ए टेंजेंट है ये किस पे परपेंडिकुलर है, ओ ए पे, और ये जो पी बी टेंजेंट है ये किसके साथ परपेंडिकुलर है, ओ बी के साथ। रीजन क्या है, बिकॉज टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है ना इतना। तो अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं इसका मतलब क्या है, एंगल वन किसके बराबर होगा 90 डिग्री के बराबर, एंगल थ्री किसके बराबर होगा 90 डिग्री के बराबर। तो अगर ये दोनों 90 डिग्री के बराबर हैं सम किसके बराबर होगा 180 डिग्री, तो फिर इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का सम क्या होता है एंगल्स का 360 डिग्री। वही नाउ दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू किसके बराबर 360 डिग्री। तो यहाँ पे मुझे बताओ सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या है, इंटीरियर एंगल्स का नाम हमने रखा एंगल वन एंगल टू प्लस एंगल थ्री प्लस एंगल फोर किसके बराबर 360 डिग्री के बराबर, विच एम्प्लाइज एंगल वन किसके बराबर 90 डिग्री के बराबर यहाँ पे, प्लस एंगल टू किसके बराबर ऐसे ही रखना है, प्लस एंगल थ्री ऐसे ही एंगल थ्री के बदले भी यहाँ पे 90 डिग्री है, और एंगल फोर ऐसे ही रखना है 360 डिग्री, विच एम्प्लाइज 90 प्लस 90 किसके बराबर है 180 डिग्री, प्लस यहाँ पे क्या है एंगल टू प्लस एंगल फोर इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्या है 360 डिग्री, तो विच एम्प्लाइज यहाँ पे क्या आएगा एंगल टू प्लस एंगल फोर इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री इज इक्वल टू 360 माइनस 180 किसके बराबर है 180। तो इसका मतलब क्या है एंगल टू प्लस एंगल फोर का सम क्या है 180 डिग्री, विच मीन्स ये जो दो एंगल्स है ना ये क्या है सप्लीमेंट्री। तो हमें प्रूव क्या करना था, प्रूव दैट एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट इज सप्लीमेंट्री। तो देयरफॉर एंगल टू एंड एंगल फोर आर सप्लीमेंट्री। ये कौन से एंगल्स हैं सप्लीमेंट्री, तो अगर ये सप्लीमेंट्री हैं तो वही तो दिखाना था एंगल टू और एंगल फोर क्या है सप्लीमेंट्री। तो हम लिखेंगे हेनस प्रूव्ड। तो हमने प्रूव किया एंगल टू और एंगल फोर क्या है सप्लीमेंट्री। वही तो इसने कहा था कि दो ये जो दो टेंजेंट्स हैं इनके दरमियान जो एंगल हैं और यहाँ पे जो सेंटर पे एंगल बनता है ये दो एंगल्स क्या दिखाने थे सप्लीमेंट्री। तो हमने इसका नाम रखा था टू, इसका नाम रखा था फोर, तभी हमने बताया कि एंगल टू एंड एंगल फोर आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, और एंगल टू एंड एंगल फोर आर सप्लीमेंट्री हेंस प्रूव्ड। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। तो क्वेश्चन जो हमारे पास है दैट इज हमें प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम, ये जो पैरेललोग्राम है पैरेललोग्राम मीन्स जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होंगे, सर्कमस्क्राइबिंग, सर्कमस्क्राइबिंग मीन्स जो बांध देता है इसके अपने अंदर रखता है किसको सर्कल को, मगर कैसे अंदर रखता है किस साइड दैट ये टच करना चाहिए। ठीक है, तो इज ए रॉम्बस, एक्चुअली हमें ये जो पैरेललोग्राम है कौन सा पैरेललोग्राम ए बी सी डी, कल की फिगर मैंने बनाई कौन सी फिगर जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में थी कि क्वाड्रिलेटरल एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है, बस इतना फर्क है यहाँ पे पैरेललोग्राम है। वहां पे हमें दिखाना था कि अगर हम ए बी प्लस सी डी एड करेंगे मतलब अपोजिट साइड से एड करेंगे वो फिर किसके बराबर होना चाहिए, इस अगर हम इन दो साइड्स का एड करेंगे। तो फिलहाल तो आपको वही लिखना है, सब कुछ वही लिखना है, वैसे ही क्वेश्चन है, बस लास्ट पे अब यहाँ पे जो ज्यादा है वो इतना है कि ये पैरेललोग्राम है, तो हम पैरेललोग्राम की लास्ट पे प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो सॉल्यूशन और प्रूफ है, तो प्रूफ प्रूफ क्या है, तो देखो हमारे पास जो है वी हैव मीन्स गिवन क्या क्या है, तो ए बी सी डी जो है ना वो क्या है पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। अगर ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम का मतलब क्या है कि अपोजिट साइड्स क्या होते हैं पैरेलल और इक्वल, फिर ये जो ए बी है ना वो किसके बराबर होगा सी डी के बराबर, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ए बी किसके बराबर होगा सी डी,
और ये जो ए डी है ना वो किसके बराबर होगा, बी सी एंड ए डी जो है वो किसके बराबर होगा, बी सी। ये कल के क्वेश्चन में हमने नहीं लिखा था क्योंकि वहां पे पैरेललोग्राम नहीं था, यही एक कंडीशन इस क्वेश्चन में अलावा है, ज्यादा है तो जो हम यूज कर सकते हैं, तो इसको हम नाम रखेंगे फर्स्ट। तो अब हमने कल क्या लिखा था कि यहां से स्टार्ट किया था कि ये जो पॉइंट ए है अगर यहाँ से दो टेंजेंट्स हैं सर्कल पे ए पी और ए एस, मतलब क्या कि बाय प्रॉपर्टी नंबर सेकंड ए पी किसके बराबर होगा, ए एस, जो मैंने आपको क्लियर किया है इससे पहले वाले क्वेश्चन में। तो बी से भी ऐसे ही दो टेंजेंट्स हैं जो कि आपस में बराबर होंगे, तो फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट जब भी हम दो टेंजेंट ड्रा करते हैं उनकी लेंथ क्या होती है, बराबर ही है। ए पी किसके बराबर होगा, ए एस के बराबर। ए पी किसके बराबर, ए एस के बराबर। तो आपको ये भी याद होगा मैंने कैसे कहा था कि लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा रखेंगे, राइट हैंड साइड में कौन सा रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाले ये रखेंगे, ए पी होगा, पी बी होगा, डी आर होगा, सी आर होगा, ये सब लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। और यहाँ से जो अपोजिट साइड्स है ना ये वाले ए एस डी एस बी क्यू और सी क्यू, ये हम रखेंगे राइट हैंड साइड में, तभी हम ऐड इनको कर सकते हैं। ए पी किसके बराबर मैंने लिखा, ए एस के बराबर। अगर हम इस टेंजेंट की बात करेंगे तो बी पी जो है वो किसके बराबर है, बी क्यू के बराबर, तो ये भी इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड में ये वाला रखेंगे ये, तो पी बी किसके बराबर है, पी बी किसके बराबर है, बी क्यू, ठीक है ना, इतना तो हो गए दो पॉइंट्स। अब अगर यहां से बात करेंगे तो सी आर किसके बराबर, सी क्यू के बराबर, सी क्यों के बराबर। अगर किसी को ये क्वेश्चन समझ नहीं आया मतलब यहाँ पे मैंने कैसे लिखे ये, तो बाय प्रॉपर्टी नंबर सेकंड यहाँ पे मैं यूज करता हूँ इस वक्त, तो आप पहले वो क्वेश्चन देखो क्वाड्रिलेटरल वाला, तो आपको ये पहले ही समझ आएगा अच्छे से क्योंकि मैंने एलाबरेटली वो सिखाया है। डी आर जो है ना वो किसके बराबर होगा, डी एस के बराबर, ठीक है इतना। डी आर किसके बराबर, डी एस के बराबर, हो गए। यहाँ पे मैंने रखा दो टेंजेंट्स, यहाँ से दो टेंजेंट्स, यहाँ पे दो टेंजेंट्स, यहाँ पे दो टेंजेंट्स, यहाँ पे, तो अगर हम इनका नाम रखेंगे सेकंड थर्ड, ये तो प्रूफ वही है जो मैंने कल लिखा, तो तभी मैंने यही नाम रखे ताकि आपको जल्दी समझ आ जाएगा कि हमने कल क्या किया था। तो अगर हम इनको क्या करेंगे, याद है ना किसी को कल क्या किया था, एडिंग सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, जब हमने इनका ऐड किया था तो क्या आया था, ए पी प्लस पी बी प्लस सी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, विच इम्प्लाइज ए पी प्लस पी बी, ए पी प्लस पी बी अगर हम इनका ऐड करेंगे तो वो कौन सा साइड बनता है, ए बी, प्लस वही कल का प्रूफ है सी आर प्लस डी आर, सी आर यहाँ से यहाँ तक, डी आर यहाँ से यहाँ तक, ये कौन सा साइड बनता है, सी डी, ठीक है ना इतना। इज इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू, ए एस प्लस बी क्यू, यहाँ से छोड़ो ए एस यहाँ पे और डी एस यहाँ पे, तो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे आपस में, ए एस प्लस डी एस वो कौन सा साइड बनेगा, ए डी प्लस, और अगर हम इन दो को ऐड करेंगे बी क्यू और सी क्यू को, बी क्यू और सी क्यू को, वो कौन सा साइड बनता है, बी सी। इतना था कल का प्रूफ। अब आज ज्यादा क्या है, ज्यादा है कि ये जो पैरेललोग्राम है इसको हमें क्या दिखाना है, रॉम्बस। तो रॉम्बस का मतलब क्या है, ये जो रॉम्बस होता है कुछ देखो, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और रॉम्बस में सारे साइड्स बराबर होते हैं, तो हर एक साइड हमें इक्वल आना चाहिए, मतलब ए बी बराबर होना चाहिए, बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, मतलब ये चारों के चारों साइड्स बराबर होने चाहिए, मतलब हमें बराबर आना चाहिए ए बी किसके बराबर, बी सी किसके बराबर, सी डी किसके बराबर, ए डी, मतलब ये फोर साइड्स आपस में बराबर होने चाहिए। तो अब आज हम क्या करेंगे, देखो ए बी प्लस सी डी, आज हमारे पास जो अलावा ज्यादा कंडीशन है, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जो था ए बी किसके बराबर है, सी डी, या तो आप सी डी के बदले ए बी लिखो या आप ए बी के बदले सी डी लिखो, अगर हम ए बी के बदले सी डी लिखेंगे तो ए बी के बदले सी डी,
प्लस सी डी को फिर ऐसे ही रखना है, इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। देखो ए डी किसके बराबर है, बी सी, तो दोनों में से एक चेंज करो आप। चलो ए डी को हम रखते हैं बी सी, ए डी को यहाँ से निकलेगा सी डी, तो सी डी कहाँ से है, यहाँ से। अगर हम ए डी को चेंज करेंगे तो वो निकलेगा बी सी, ठीक है। ए डी को हम करेंगे किस में चेंज, बी सी में, प्लस बी सी, विच इम्प्लाइज सी डी प्लस सी डी दैट इज ट्वाइस सी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस बी सी दैट इज ट्वाइस बी सी, टू टू कैंसल। तो हमारे पास जो दो साइड्स बराबर आ गए दैट इज सी डी किसके बराबर है, बी सी के बराबर। तो सी डी और बी सी कौन से दो साइड्स हैं, सी डी यहाँ से एक साइड है और बी सी यहाँ से एक साइड है, मतलब ये दो साइड्स आपस में बराबर आ गए, है ना। तो देखो ए बी किसके बराबर है, यहाँ से ए बी किसके बराबर है, सी डी, सी डी है ना यहाँ पे। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट अगर हम यूज करेंगे, ए बी किसके बराबर है, सी डी, इसमें कोई शक है तो। मगर सी डी हमें किसके बराबर निकला, बी सी, क्या हम सी डी के बराबर लिख सकते हैं बी सी, क्योंकि सी डी तो बी सी के बराबर है। अब मुझे बताओ बी सी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में किसके बराबर है, ए डी के बराबर, फिर तो हम बी सी के बदले क्या लिखेंगे, ए डी। तो अब हमारे पास क्या आया, ए बी किसके बराबर, सी डी के बराबर, सी डी किसके बराबर, बी सी के बराबर, बी सी किसके बराबर, ए डी, मतलब ये जो चारों साइड्स है ना ये आपस में क्या है, इक्वल है। तो हम लिखेंगे हेनस ए बी सी डी इज ए रॉम्बस, जो हमारे पास पैरेललोग्राम है एक्चुअली वो क्या है, रॉम्बस, क्योंकि उसके चारों साइड्स बराबर हैं। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। नहीं आया होगा, कुछ कन्फ्यूजन होगा, मुझे पूछो आप कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपकी क्वेरीज का जल्दी जवाब दूंगा एज सून एज पॉसिबल। तब तक के लिए थैंक यू, खुदा हाफिज़।